हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और एज यू नो मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन में क्या कुछ शॉपिंग करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मैं क्लॉथ फैक्ट्री का हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फाइनली पहली बार मैंने क्लॉथ फैक्ट्री से बहुत सारे कुछ चीज़ें ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कि जो सारा प्रोडक्ट है किस तरह से है। मैं इसको ओपन ऑलरेडी कर चुकी हूँ और सारा जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी देख चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ रिव्यू एक वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्लॉथ फैक्ट्री का जो सारा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा डैमेज होकर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और बहुत सारे इस तरह से भी कमेंट आता है कि बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं क्लॉथ फैक्ट्री का जो सारी चीज़ें हैं कुछ मंगाना चाहती हूँ, अच्छा है या बुरा है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो तीन चार मुझे कमेंट नेगेटिव आया था, तीन चार जो कमेंट मुझे बहुत पॉजिटिव वे में मिला था कि क्लॉथ फैक्ट्री का जो सारा प्रोडक्ट है बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ जल्दी से ये हॉल वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने क्लॉथ फैक्ट्री से क्या क्या शॉपिंग किया है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये छोटा सा बैग, और प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये 200 समथिंग का है। मैं स्क्रीन पे इसका जो प्राइस और इसका जो छोटा सा इमेज था जो कि मुझे डिस्प्ले हुआ था, डिस्प्ले वाला जो इमेज था वो अब स्क्रीन पे दे दूंगी। सारे जो प्रोडक्ट मुझे इस तरह से आया था बहुत अच्छे से नाइसली पैकेजिंग होके आया था, बहुत सुंदर सा ये एक जिपलॉक बैग में मुझे मिला है। और ये रही बैग, बहुत सुंदर सा क्यूट सा बैग है, और यहाँ पे पेपा एंड जीरोस लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सा क्यूट सा लग रहा है। इस बैग के आपको तीन आई थिंक कलर मिल रहा था, बट मुझे ये पिंक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पिक्स में मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बट ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये कितना साइज़ का है, बहुत छोटू सा है बट बहुत क्यूट सा है। प्राइस वाइज ये मुझे ठीक लगा। और यहाँ पर आपको एक जीप मिलता है, पीछे इस तरह से यहाँ पर दो बेल्ट दिया गया है जिसको आप इजीली अपने शोल्डर पर हैंग कर सकते हो। तो अगर आप बच्चे के लिए लेना चाहते हो तो इजीली आप ले सकते हो। इस तरह से आपको जीप मिलता है। अंदर का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सही है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इजीली बेबी का जो हैंकी होता है वो सैनिटाइजर होता है और फीडिंग बोतल होता है, इजीली इसमें आ जाएगा। तो ये बच्चे के लिए परफेक्ट है। इस तरह से आपको एक बेल्ट मिलता है जो कि इजीली आप कंधे पे भी लगा सकते हो। क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर सा है, बहुत ज़्यादा क्यूट सा है। बाद मैंने लिया है एक छोटा सा मिरर, और मिरर का जो पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं बहुत क्यूट सा है और काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं है। सारे जो चीज़ें था ना बहुत अच्छे से बबल रैप होके आया था, और ये जो मिरर है बहुत अच्छे से नाइसली रैप होके आया था, इस तरह से बबल रैप होके आया था। बहुत सुंदर सा मिरर है। तो इसमें भी कलर ऑप्शन तीन आपको मिल जाएगा। मुझे जो अच्छा लगा था मैंने वही ऑर्डर किया था। ये मुझे स्काई कलर का अच्छा लगा था तो मैंने स्काई कलर का ऑर्डर किया है। तो ये जो मिरर है एक स्टैंड मिरर है, अगर आपके आपको इस तरह से टेबल के ऊपर सजाना है तो आप इस मिरर को अच्छे से अपने मेकअप के लिए यूज कर सकते हो। ये जो मिरर को आपको इस तरह से कनेक्ट करना होता है, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, और ये है बेस, और उसके अंदर ये अच्छे से फिट हो जाता है। उसके बाद ये मिरर को इस तरह से आपको अटैच करना है, तो पूरा जो लुक है वो इस तरह से आएगा। पूरा पिक्चर जो है सेट कर दूंगी। तो ये था मिरर, बहुत सुंदर सा है, और इसका जो प्राइस था 400 समथिंग था, वो भी मैं स्क्रीन में ऐड कर दूंगी। प्राइस वाइज ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। दोनों साइड आपको अच्छे से दोनों साइड आपको मिरर मिल जाएगा। तो ये था मिरर। हार जो मैं ऑर्डर किया है इस तरह से एक पिलर ऑर्डर किया है। ये जो पिलर है वो है 3-in-1 पिलर है, और जो कि स्लाइसेस होता है, जो कि गाजर का स्लाइसेस होता है, जिस तरह से हम लोग अगर सलाद प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से गाजर को नहीं चॉप कर पाते हैं, और नूडल्स वगैरह में ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा पतला पतला चॉप करना होता है। तो लंबे लंबे पीसेस में कट करने के लिए ये मैंने एक पिलर मंगाया है। ये बहुत अच्छे से, इतना ज़्यादा तो मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट फिर भी
ओके ओके है, और इसका जो प्राइस था वो है 100 या 200 के आसपास था। ये था पिलर, इस तरह से दोनों साइड आपको ब्लेड मिल जाएगा इस तरह से। ये जो ब्लेड है थोड़ा सा सिंपल तरीके से है, ये जो ब्लेड है वो है जिगजैग वाला ब्लेड है, जिस तरह की ये ऊपर वाला सिंपल ब्लेड है, इस तरह से ये थोड़ा सा मोटा वाला ब्लेड है। तो ये जो ये साइड जो होता है ना, ये बहुत अच्छे से नाइसली रफ हो जाता है, और ये साइड जो इतना अच्छे से नहीं काम करता है। तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट के साथ मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो ये था मेरा एक प्रोडक्ट। के बाद मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए एक नेक पीस, और ये नेक पीस मुझे मिला है 100 के समथिंग मिला है। स्क्रीन पे प्राइस आप लोगों को मिल जाएगा। और ये है नेक पीस, इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कलर ऑप्शन था, मुझे कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इस तरह से ये है, ये अगर चेन होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, बट इसको आप इस तरह से ये नेक में अटैच कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। इसमें आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा, गोल्ड कलर मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। ये जो इसका जो क्वालिटी है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्राइस वाइज भी ठीक ठाक है, क्योंकि 100-150 में कुछ भी नहीं आता है आजकल, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये था मेरा नेक पीस, और ये जो नेक पीस है बहुत अच्छे से इस तरह से पाउच में आया था, बहुत सुंदर से बबल रैप होके आया था। तो पैकेजिंग वाइज ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिफ्थ प्रोडक्ट जो मैंने लिया है, एक सीलर लिया है, जो कि है ये सीलर। ये थोड़ा सा मुझे मीन्स चाहिए था कुछ नया लेने के लिए या अपने किचन के लिए, तो इसकी वजह से मैंने ये लिया है। यहाँ पर एक आपको मैग्नेट मिल जाएगा, जो कि आप इजीली अपने फ्रिज में या किसी भी किचन के कोने में इसको अटैच कर सकते हो। और ये जो सीलर है ना, इसलिए मैंने मंगाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्नैक्स वगैरह को खोलने के बाद ओपन छोड़ देते हैं, और वो जो सारा जो चीजें होता है वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका जो क्रिस्पनेस है वो चला जाता है, और खाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये जो सीलर का काम है वो आपको इस तरह से स्नैक्स के पैकेट को यहाँ पर इंसर्ट करना है और इसको दबा देना है, तो ये अच्छे से ये सील हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी डालना है, यहाँ पर आपको दो बैटरी डालना है, ये बैटरी के साथ काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से ये काम करता है। ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कलर भी आप लोग देख सकते हैं, पिंक कलर है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने एक लिया है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ट्राइपॉड, जो कि इस तरह से है, और ये ट्राइपॉड के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पिक्चर में ये बहुत अजीब सा दिख रहा था और आई है बहुत अजीब होके, क्योंकि इसका ऊपर एक मोबाइल होल्डर जो रहता है पिक्चर में वही था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मोबाइल होल्डर आएगा और इसलिए अपना ब्लॉगिंग जो है कर पाऊंगी, और इसको इस तरह से बैंड करके भी आप इजिली इसको कहीं पे भी रख सकते हो। बहुत छोटू सा है, बहुत ज्यादा क्यूट लगा मुझे, बट प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता है कि विदाउट मोबाइल होल्डर इस तरह से ट्राइपॉड मार्केट में नहीं मिलेगा, इजीली मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल होल्डर जो होता है वही एक मेन इम्पोर्टेंट होता है मोबाइल को रखने के लिए। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये प्रोडक्ट के साथ मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पिक में अलग सा था और ये अलग मुझे आया है। तो ये था मेरा एक प्रोडक्ट। लास्ट में मैंने लिया है एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, इस तरह से ये पैक होके आया था बहुत अच्छे से इस तरह से जिपलॉक बैग में। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, इसको इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारा कंपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रैक आपको मिल जाएगा, और ईच रैक में आपको 4 कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो टोटल 16 कंपार्टमेंट हो गया है। इसको आप अपनी जो हैंगर के साथ इजीली हैंग कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से जो हुक आता है वो हुक के साथ भी हैंग कर सकते हैं। अपनी ज्वेलरी रखने के लिए यूज करूंगी, मेरे ड्रेसिंग टेबल के डोर में इस तरह से हैंग कर दूंगी। तो बहुत अच्छे से ये नाइसली ट्रांसपेरेंट कलर में आया है, तो बहुत अच्छे से सारी जो ज्वेलरी है मुझे डिस्प्ले होगा। इसको आप कबर्ड में भी रख सकते हो,
हो, सारे इनर वेयर हैंकी वगैरह को स्टोर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा सही है और बहुत अच्छा प्लास्टिक है। इस तरह से नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक है, तो हार्ड प्लास्टिक क्या होता है, बहुत दिनों के यूज करने के बाद वो फट जाता है, बट ये बहुत ज्यादा नरम प्लास्टिक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये जो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अब क्लब फैक्ट्री पर कूल फैशन सेल चल रहा है, जो कि आपको अप टू 85% तक डिस्काउंट मिल सकता है। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कूपन कोड भी दिया है, जो कि मेरा एक इनवाइटेड कोड है। आप अगर उस कूपन कोड को यूज़ करके शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो चेक करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। बस उतना ही मैंने शॉपिंग किया है क्लॉथ फैक्ट्री से, और एक ही प्रोडक्ट के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, वो है ये ट्राइपोड। ट्राइपोड में देखूंगी, अगर इसके साथ मोबाइल होल्डर मुझे मिलता है तो मैं इसको एज ए ट्राइपोड की तरह यूज करूंगी, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको खरीदना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, खरीद लिया है तो इसको पक्का यूज करूंगी। तो बस ये था मेरा सारा क्लॉथ फैक्ट्री हॉल, और सारा जो मैंने प्रोडक्ट आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, सारे जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और क्लॉथ फैक्ट्री का जो वेबसाइट है उसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो जरूर एक बार चेक करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।